हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। ये जो वैकेंसी आ रही है ये कहाँ से है? ये है NHDC लिमिटेड। ये जॉइंट वेंचर है MP गवर्नमेंट का प्लस NHPC का। और ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी आ रही है ये आ रही है इंदिरा पावर स्टेशन में। ये NHDC आपको पता ही है, जैसे NHPC करती है हाइड्रो में वर्क, तो ये NHDC जब उसका जॉइंट वेंचर है तो NHDC भी हाइड्रो में ही वर्क करती है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है। मतलब जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं इसमें ऑल इंडियन एलिजिबल है। वैकेंसी लिमिटेड है इसीलिए अगर कीजिएगा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, नो फीस, कोई फीस नहीं है। एक और चीज़ मैं आपसे बता दूं, आप बहुत भाई ऐसा पूछते हैं, बहुत दोस्त ऐसा पूछते हैं कि अप्रेंटिसशिप करना सही है। मेरी नज़रों में 100% करना सही है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप जब अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक तो आपको जेब खर्च के लिए पैसा मिल जाता है, दूसरी बात ये है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है गवर्नमेंट के अंडर काम करने का। जो आपके बॉस होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आप पे मतलब किसी से भी अगर मिलना जुलना आता है तो आप अपनी जॉब उस एक साल के अंदर में डिसाइड कर लेंगे कि मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि NHPC NHDC इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टर भी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ इजीली सिलेक्शन हो सकता है और उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट रह सकती है। क्योंकि NHPC NHDC इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो आपसे बहुत आगे मतलब ले जा सकते हैं आपको। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसके कैरियर सेक्शन में जाना है। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों लिंक पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को याद से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। प्लस उसमें आपको कवर लेटर का फॉर्मेट, प्लस जो भाई रिज्यूम का फॉर्मेट मांग रहे हैं वो रिज्यूम का फॉर्मेट भी मैंने वहीं डाल दिया है। आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो मैंने दोनों के लिंक डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप जल्दी से जल्दी जाके एक बार चेकआउट कर लें। आपको इसके कैरियर सेक्शन में आना है। जैसे ही आप कैरियर्स में इस पर क्लिक करेंगे तो कैरियर्स में क्लिक करने के बाद आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाने के बाद आप देखेंगे वर्ष 2022-23 के दौरान, अब ये इंग्लिश में मैंने कर लिया है, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये 1 ईयर के लिए अप्रेंटिसशिप स्कीम आई है। अब इसको क्लिक करके एक बार इसको इसको एडवर्टीजमेंट को जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं ओपन विद ड्राइव, जैसे ही हमने इसको डाउनलोड किया तो ये बिल्कुल ओपन होके आ गया। अब जैसे ही ओपन हुआ है, एक मैं आपको और बात बता दूं कि दोबारा बता देता हूं कि अगर आप सच में देखो, दो चीज़ है, या तो आपको पैसों की बहुत नीड है, मतलब मनी की नीड है, तब तो आप अप्रेंटिसशिप बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिएगा। लेकिन आपको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो अप्रेंटिसशिप कोई बुरा नहीं है। आपको अपना नेचर अच्छा रखना है, वहाँ छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके साइट इंचार्ज या फिर उनके जो काम करने वाले इंजीनियर्स, उनसे आपको कॉन्टैक्ट बनाना है। कॉन्टैक्ट बनाने के बाद जैसे ही अप्रेंटिसशिप आपकी यहाँ से ख़त्म हो रही है, आप यहाँ अगर 10,000 रुपये ले रहे हैं तो वहाँ लगते के साथ ही आपको 25,000 to 30,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपको 15,000 20,000 मिल जाएंगे और 2-3 साल तक आपको कुछ एक्स्ट्रा बढ़ने वाला नहीं है। तो अगर इसको दोनों तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों एक चीज़ ये देख लीजिए, डिप्लोमा एंड ITI बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा ITI होल्डर ऑफ MP डोमिसाइल टू बी एंगेज एज अप्रेंटिसशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ MP वालों के लिए है। मतलब अगर कोई मध्य प्रदेश वाला है तभी वो यहाँ एलिजिबल है। तो अगर MP से अलावा है कोई तो ये वीडियो स्किप करके जा सकता है। और प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। और अपने दोस्तों तक जो MP से बिलोंग करता है उस तक शेयर ज़रूर कर दें ये वीडियो को। इसमें किस किस के लिए निकल के आई है? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड, फिटर ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रोग्रामिंग, टोटल सीट्स अवेलेबल, ये पूरा का पूरा इसमें मेंशन है। इन्होंने मांगा क्या गया है, इन्होंने जब अप्रेंटिसशिप है तो फ्रेशर तो डायरेक्टली एलिजिबल है ही, तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप रिलेवेंट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय AICTE। ऐसे ही डिप्लोमा का भी सेम मांगा गया है। और ITI वालों के लिए ITI होना चाहिए उसके 10th स्टैंडर्ड के बाद। और इसके बाद क्या है कि आपका डिग्री डिप्लोमा होल्डर कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम इज नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप।
डिस्टेंस वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर किसी ने परमानेंट किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। देयर विल बी रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स फॉर वार्ड्स ऑफ सन डॉटर स्पॉन्स ऑफ NHDC कार्ड एम्प्लॉयज। उसके साथ साथ कैंडिडेट शुड हैव पजेस्ड बाय द अबव प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ BE/BTECH डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ट्रेड एज ऑन। आपने 12-5 तक आपने पास कर ली हो वही यहाँ एलिजिबल है। मतलब देखिए फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं बट आपका अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप यहाँ एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर जिसके पास 1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है वो यहाँ एलिजिबल नहीं है। रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन इसमें दिया गया है OBC के लिए, जो SC ST वालों के लिए। सिंस द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव विच में इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए ये तो हर जगह होता है चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। आप ये जो है टेंटेटिव, मतलब अगर आपकी क्वालिफिकेशन या आप इंटरव्यू में इन्हें अच्छे लगे तो ये आपकी जो ये जो वैकेंसी है ये बढ़ा भी देंगे, और इन्हें सही कैंडिडेट नहीं मिला तो ये घटा भी देंगे। 3% ऑफ हॉरिजॉन्टल बेसिस शैल बी रिजर्व फॉर पर्सन हु विद डिसेबिलिटी। द कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेशन आर जो डेट ऑफ कैलकुलेशन होगी वो 12-5 से जुड़ेगी, तो 12-5 से अगर कोई भी है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने बता दिया है 25 ईयर्स, और उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम है वो मैंने सारी आपको बता दी। अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको नेट्स पोर्टल पे जाके वहाँ अप्लाई करना है। जिसको नहीं पता है नेट्स पोर्टल के बारे में, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंडर इसको बोलते हैं नेट्स पोर्टल, वहाँ जाके आपको करना है। इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है। इसमें स्टाइफंड की अगर बात करें तो BTECH वालों को मिलेंगे 9,000 रुपये, डिप्लोमा वालों को मिलेंगे 8,000 रुपये, और ITI वालों को मिलेंगे 7,000 रुपये। कितना? 7,000 रुपीज। जनरल कैलकुलेशन भी इसमें कुछ है तो आप उसे देख सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। ये MP गवर्नमेंट की तरफ से आई है तो आपकी लाइफ भी सिक्योर होने वाली है। परमानेंट जॉब नहीं है बट परमानेंट आप इसको बना सकते हैं। वो कैसे? वो बना सकते हैं आप अपने कॉन्टैक्ट से। जब आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हो जाएंगे तो आप इजीली यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके लिए एक बहुत बैड न्यूज़ है। क्योंकि मैं जो अपने दोस्तों सभी दोस्तों के साथ अब मैं जो जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उस दोस्तों के साथ मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ, हर एक बंदों से बात करने वाला हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है तो उनका डाटा मेरे पास है, तो जल्दी से जल्दी नहीं किया है तो कर दीजिए, 2 दिन का टाइम है आपके पास। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।